नाउ इन द लास्ट क्लास बेटा, अगर हम बात करें तो हमने अब यूनिट टू अपने स्टार्ट कर दिया है। हमने यूनिट टू स्टार्ट कर दी है। इससे पहले तक अगर हम बात करें तो यूनिट टू में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सिलेबस डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 26 वाले में, परसों पढ़ा था। सिलेबस हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आफ्टर द सिलेबस डिस्कशन, आफ्टर द सिलेबस डिस्कशन हमने क्या क्या देख लिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन वेव्स वगैरह हमने स्टार्ट देख लिया था। रिप्रेजेंट ऑफ साइन वेव्स, किस तरह से आपका साइन वेव कंसिडर होता है। साइन वेव को अपन साइनसोइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल आई क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई एम मैक्सिमम वैल्यूज, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसीज वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया था। लाइन फ्रिक्वेंसीज वगैरह को स्टडी कर लिया था। टाइम पीरियड, और कल की क्लास में मैंने इनकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह भी डिस्कस कर ली थी। फिर हमने कल क्या देखा था, कल हमने पढ़ा था फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज क्या होगा, फेज इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड और साइकिल। फेज इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड और साइकिल, कहाँ से, फ्रॉम द जीरो या ओरिजिन। कि जैसे अगर हम बात करें केस, इसको फर्स्ट ले लो, ये केस फर्स्ट है मेरा। इस केस फर्स्ट की बात करें तो मेरे पास ओरिजिन से पास हो रही है वेव फॉर्म। वोल्टेज भी अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो फेज डिफरेंस जीरो होगा। फेज डिफरेंस यदि जीरो है मतलब यूनिटी पावर फैक्टर है। यूनिटी का मतलब कब होगा, जब रजिस्टर के केस में होगा। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। यदि मेरे पास जो एंगल है मतलब जो करंट है वो वोल्टेज की रेस्पेक्ट में क्या है, कुछ टाइम बाद में जनरेट हो रहा है। कुछ टाइम बाद में जनरेट होने का मतलब क्या हो गया, लैगिंग है। तो लैगिंग का केस अपने डिस्कस करा केस सेकंड के अंदर, ये मेरा केस सेकंड हो गया। और थर्ड केस क्या हो गया, लीडिंग का केस अपने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसको प्रॉपर देखना है तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर्स। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर, कि आपका कोई भी वेक्टर होगा उसको आप तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। इंपॉर्टेंट होते हैं तीनों, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म एंड द पोलर फॉर्म, ऑल आर द इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से हमने देखा था कि यदि कोई वेक्टर फेजर है तो उसको आप सबसे पहले रिसोल्व करते हो इनटू द टू पोर्ट पार्ट्स, रियल एक्सिस में और इमेजिनरी एक्सिस में आप डिवाइड करते हो। यहाँ पे रियल एक्सिस तो वैल्यू शो कर रही है ए, रियल एक्सिस, और ये शो कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू। और इसके बाद में अपन ने इसको किस तरह से स्प्लिट किया था, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, इसका एंगल कैलकुलेट करा था, फिर हमने उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म अपन ने उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जब ने लास्ट क्लास तक स्टडी कर लिया था। नाउ अगर आज अपन आज की बात करते हैं लेक्चर नंबर 28 अपन स्टार्ट कर रहे बेटा। अभी तक जो भी किया था वो अपन ने लेक्चर नंबर 27 तक देख लिया था, यूनिट टू। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 28। कौन सी यूनिट चल रही है अपनी, अब अपनी चल रही है यूनिट नंबर 2। आज जो मैं बता रहा हूँ, हमने कल देखा था कि हम जो भी आपके फॉर्म्स हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है फेजर्स का, उसको हम कन्वर्ट करते हैं या शो करते हैं तीन फॉर्म से, रेक्टेंगुलर, ट्रिग्नोमेट्रिकल और पोलर। आज हमें सीखना है कि इनका कन्वर्जन कैसे करें, मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और आप लोगों को मैंने बोला बेटा कैलसी साइंटिफिक कैलकुलेटर मस्ट है आप लोगों के लिए बेटा, उसको कैसे भी करके मंडे तक आपको यूज में परचेज कर लेना। कौन सा आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, लिख लो चाहे, केसीओ का लाना है साइंटिफिक कैलकुलेटर, 82 MS ऐसा कुछ आता है, 82 MX इस टाइप का कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसके ऊपर देख लेना। इसी कंपनी का लाना है, इसी नंबर का लाना है, अदर भी आते हैं केसीओ के, बहुत सारे आते हैं, सबको यूज में मत लेना, यही आपके एग्जाम में परमिट होता है। तो इसका देख लेना, नाम लिख लेना भैया कौन सा केसीओ का लाना है साइंटिफिक कैलकुलेटर, बहुत सारे आते हैं मार्केट में। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर में 28 में। आज की मेरी हेडिंग है कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। हेडिंग स्टार्ट करते हैं अपन कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हमें रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्ट करना है, पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करना है,
मेन यही दो होते हैं, पोलर टू रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर टू पोलर, पर तीनों का अपन कन्वर्जन करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो ध्यान से समझना है, फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया क्या डाउट है क्या नहीं है, सब डिस्कस करेंगे। ओके, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो देखो, इसको कन्वर्जन करने के लिए मैं मान लो एक कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास कोई फेजर है। लेट वी कंसीडर दिस फेजर, एक कोई फेजर है, कोई वोल्टेज फेजर है। लेट अस कंसीडर ए वोल्टेज फेजर, लेट अस कंसीडर ए वोल्टेज फेजर, लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर करा ये एग्जाम में। मैंने बोल रहा हूँ ये सारे पॉइंट जो अभी तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, बट इनके बिना बेटा आप एग्जाम्स में जो आने वाले हैं उनको नहीं कर पाओगे। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर ए फेजर, ये वोल्टेज फेजर ले लेता हूँ। हमने कंसीडर करा एक वोल्टेज फेजर को, लेट अस कंसीडर ए वोल्टेज फेजर वी, रिजोल्व किया उसको एस सोन इन फिगर, एस सोन उसको रिजोल्व कर दिया मैंने इस फॉर्म में, रिजोल्व करेंगे एस सो एस सोन, उसको रिजोल्व कर दिया मैंने। तो क्या होगा, रिजोल्व कैसे होगा, रियल एक्सिस में और इमेजिनरी एक्सिस में। तो ये तो हो गई मेरे पास रियल एक्सिस, और ये आ जाती है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, आयोटा या जे से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने मान लिया मेरे पास जो वोल्टेज फेजर है वो वोल्टेज फेजर हमारा ये है, ये हमारा वोल्टेज फेजर है वी। ओके, जो कितना एंगल पे मेंटेन करा हुआ है, फेज एंगल कितना है, फाइव, फाइव एंगल पे। ओके, तो इसकी रियल वैल्यूज इमेजिनरी वैल्यूज तो होगी, तो इसकी रियल वैल्यूज मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर, इमेजिनरी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो ये जो रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है मान लीजिए फोर, फिक्स वैल्यूज निकाल रहा हूँ। इमेजिनरी वैल्यूज मान लो आपको वेक्टर दे रखा है थ्री का, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है आपको, बी को। भैया ये तो हो गया रियल वैल्यूज हो गई, ये इमेजिनरी वैल्यू हो गई, ये आपका वेक्टर फेजर हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया वी का फेजर, दिस इज माय फेजर ऑफ वी, ये वी का फेजर है, वी का फेजर है, वी का वोल्टेज का फेजर है। ओके, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाउ फेजर इज रिप्रेजेंट एज, नाउ फेजर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, फेजर रिप्रेजेंट अस, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है आपकी, वन मिनट मैं सारा क्लियर कर दूंगा बेटा, रुक जाओ अभी। नाउ फेजर रिप्रेजेंट अस, फेजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, फेजर को रिप्रेजेंट करते हो आप वी इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर फॉर्म में ए प्लस जेबी की फॉर्म से। तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा v इक्वल्स टू फोर प्लस थ्री जे इज योअर रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ फेजर, इट इज माई रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ फेजर, ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है किसकी, फेजर की। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका कन्वर्जन सीखना है कि किस तरह से अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर से पोलर में, पोलर से रेक्टेंगुलर में। ये कौन सी फॉर्म है, ये मेरे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये है मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है पोलर में और पोलर से अनदर में। क्या बात हो गई यार, ये बच्चे हैंड टच कर रहे हैं बार बार, बोलो सर ये डायग्राम बता दो एक बार। डायग्राम कुछ भी नहीं है भाई, रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, कोई भी पोलर है भैया, ये कोई पोलर है, कोई वेक्टर है, ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, ये कोई फेज एंगल है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन एक्स और वाई एक्सिस में, तो ये तो रियल वैल्यूज है जिसकी मैग्नीट्यूड फोर है, मैंने फोर लिया है मन से, कुछ भी हो सकता है, ये थ्री मैंने ले लिया मन से लिया है, वो कुछ भी नहीं है। रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं अपन, रेक्टेंगुलर फॉर्म से मैं कन्वर्ट करना सीखूंगा, अब मैं कन्वर्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई, अब जैसे ही रेक्टेंगुलर फॉर्म बनती है बेटा हमारे पास, अब मुझे क्या करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म बनते ही मैं को कन्वर्ट इसको स्टार्ट करना है, कन्वर्ट करना पोलर में और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने से पहले
इसका मुझे एक्चुअल में मैग्नीट्यूड और फेज एंगल पता होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे इसका। नाउ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर, मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर क्या हो जाएगा आपका। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते थे अपन, वी इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा। फेज एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, फेज एंगल क्या है फाई, फेज एंगल कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, टेन इनवर्स बी अपोने। सर ये कैसे आया, तो यार ये भी सीख देख लेते हैं कि भैया है मेरे पास यहाँ पे जो फेजर डायग्राम है इसको देखो, यहाँ पे मेरे पास जो फेजर है वी, इसका एंगल बन रहा है यहाँ पे फाई, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बी, ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग टेन थीटा क्या होता है, टेन फाई होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी, बेस क्या है ए, तो फाई क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपोन ए, तो आपका फेज एंगल क्या होगा टेन इनवर्स बी अपोन ए। अब अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है किसी के पास, तो बेटा वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता है बी कितना है 3 और ए कितना है 4, इसको जब वो सोल्व करेगा तो आपके पास बेटा फाई की वैल्यू एंगल आ जाएगा 36.9 डिग्री। अब आपके पास देखो मैग्नीट्यूड आ गया और फेज आ गया, अगर आपके पास जो भी फेजर है उसका एक बार मैग्नीट्यूड और फेज कैलकुलेट हो गया, तो आप इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हो रेक्टेंगुलर में और ट्रिग्नोमेट्रिक में और पोलर में, कैसे देखते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बोलता है कि जो भी आपका फेजर है उसकी वैल्यू होती है उसका मैग्नीट्यूड फिर कोस थीटा प्लस जे साइन फाई, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, क्या मैग्नीट्यूड विद कोस फाई प्लस जे साइन फाई। तो जैसे ही आपने वैल्यूज पुट करी बेटा, तो आपके पास वी कितना है 5, आप पुट कर दोगे एंगल को, एंगल कितना है कोस 36.9 प्लस जे साइन 36.9, ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा, आपको अब क्या करना है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, तो ये लो मैं पोलर फॉर्म की बात कर लेता हूं। नाउ अगेन पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म तो बड़ी सिंपल होती है, पोलर फॉर्म क्या होता है आपका कि जो भी आपका फेजर है उसको आप उसका मैग्नीट्यूड विथ एंगल रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना है 5, एंगल कितना है 36.9 डिग्री, ये हो गया आपका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पोलर फॉर्म, और जिस जिसके पास बेटा कैलकुलेटर है नहीं है तो बेटा परचेज कर लेना, मंडे को मैं आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर डायरेक्ट विदाउट मतलब पेन कॉपी के डायरेक्ट आपको कैसे करना है वो सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में उसी को ही फॉलो करना है। ये कौन सी फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, टाइम बचेगा क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ये होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, तो एटलीस्ट ट्राई करना मंडे तक हर बच्चे के पास उसके पास में हाथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, जिसे मैं आपको सिखा सकूँ रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसके बिना जो आपके सर्किट्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आर सर्किट आर एल आर एल सी कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन, तो आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे, पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह बिना
रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले जल्दी लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? यस सर। ओके चलो अब देखो, इसके बाद में आपके सर रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन आपने पढ़ा दिया, पर सर ये करते क्यों है, ये करते क्यों है? तो देखो इसका रीजन क्या है, क्यों अपन इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन क्यों करना पड़ रहा है। सर रेक्टेंगुलर से सारे न्यूमेरिकल नहीं हो सकते क्या? पोलर से नहीं हो सकते क्या? पोलर तो और भी सिंपल पड़ता है बेटा, नहीं हो पाता। इसका पीछे रीजन क्या है वो भी बताता हूँ। देखो तो अब आपके बात आती है, जब कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पे क्या, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो डेफिनेटली कई जगह अपन को एडिशन करना है, कई जगह सब्ट्रैक्शन करना है, कई जगह मल्टीप्लीकेशन करना है, और कई जगह डिवीजन भी करना पड़ता है। तो अपन नेक्स्ट अब स्टार्ट कर रहा हूं, एडिशन ऑफ फेजर क्वांटिटीज। एडिशन तो छोड़ो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फेजर क्वांटिटीज। एडिशन एक में कर लेते हैं एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फेजर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फेजर। ठीक है सर। अब एडिशन जब अपन को पढ़ना है तो उससे पहले एक चीज ध्यान रख लो, वो नोट करके लिख लो, गांठ लगा के रख लो नोट, कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी करोगे जब आपके पास नाउ नोट क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इज डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डन बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर फॉर्म्स। जब आप रेक्टेंगुलर फॉर्म को यूज में लोगे ना बेटा, तब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाओगे, पोलर फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। और जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करेंगे तो वो पोलर फॉर्म में होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म एक कम्युनिकेशन पाथ मान लो जब आप लॉन्ग प्रोसेस करते हैं। ओके अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। मैंने अज्यूम किया लेट, मेरे पास मान लेता हूँ मैं टू फेजर आपके पास या फेजर फॉर्म्स अवेलेबल, एक तो वोल्टेज वी वन का, एक वोल्टेज वी टू की। इनकी वैल्यू से मान लो ए वन प्लस जे बी वन रियल वैल्यूज एंड इमेजिनरी वैल्यूज, सेकेंड वाले की है ए टू प्लस जे बी टू। ये टू फेजर्स हैं, ए वन प्लस जे बी वन, ए टू प्लस जे बी टू, टू फेजर्स हैं। इनपे क्या करना है मुझे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। किस फॉर्म में है दोनों? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इन रेक्टेंगुलर फॉर्म पर ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। नाउ अब मुझे मान लीजिए इस पे एडिशन करना है, नाउ अगर मुझे इसका एडिशन अप्लाई करना है तो एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन करने के लिए आपका v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट v1 प्लस v2 ऐड कर दो भैया, क्या हो जाएगा a1 प्लस jb1, v1 की वैल्यू हो गई, ए टू प्लस जे बी टू, बी टू फेजर हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो रियल वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगे, इमेजनरी वैल्यूज आपस में ऐड होकर आपके पास आ जाएगा, ये बन गया फेजर। किसका? रिजल्टेंट का। अब इस रिजल्टेंट फेजर के आपके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैलकुलेट करना होगा, तब क्या करोगे? तो मेरे पास यहां पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा, यार इसको मैं एक्स मान लेता हूँ भैया, है तो रियल वैल्यू, इसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ, ये एक्स है, इसको ज़ूम कर लेता हूँ मैं वाई है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होता है वी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फेज एंगल, फेज एंगल आ जाएगा आपका फाई टेन इनवर्स बी अपोन ए। B क्या है, इमेजिनरी वैल्यू क्या है, y, इमेजिनरी वैल्यू क्या है y, तो ये हो जाएगा y अपॉन
रियल वैल्यू क्या है, एक्स वाई अपोन एक्स। मतलब जब आपको एडिशन करना है तो एडिशन के केस में आपको हमेशा पोलर फॉर्म ही यूज में लेनी है। अब मान लो एडिशन तो हो गया सर, सब्ट्रैक्शन करना होगा, तब क्या करेंगे? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस लेना है सब्ट्रैक्शन का। और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2। वैल्यूज पुट कर दोगे, वैल्यू जैसे पुट करोगे तो ए वन प्लस जे बी वन में से माइनस कर दोगे आप ए टू प्लस जे बी टू को माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है ए वन माइनस ए टू प्लस जे बी वन माइनस बी टू, ये आपके पास आ जाएगा एडिशन फाइनल वैल्यू किसकी, इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और इसी का बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई डाउट है क्या? नो सर। बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, लेकिन बेटा ये जब आप अप्लाई करोगे ना आरएल नेटवर्क, आरएल सर्किट आ गया, आरसी सर्किट आ गया, आरएलसी सर्किट आ गया, तो यहाँ पर अप्लाई होंगे कैसे कि ये होता है आर, ये होता है एक्सएल। तो आपको पता होगा इम्पीडेंस की वैल्यू कैसे लिखते थे आप ट्वेल्थ में, आर प्लस जे एक्सएल। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज आएगी। फिर आपको करंट पूछेगा, करंट कैसे निकलेगा, वी इक्व टू आई जेड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई का कोई फेजर होगा, उसमें आपको इम्पीडेंस के फेजर का डिवाइड करना है। और डिवाइड करना है तो ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो इसको पोलर में बदलना पड़ेगा। पोलर में कन्वर्ट करके मान लो इसके इम्पीडेंस जेड आता है, एंगल कोई भी फाई आएगा, उस इम्पीडेंस से पोलर से आप में डिवाइड करोगे किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। पर आंसर किस में चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो वापस उस पोलर को किस में बदलोगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है बेटा। हाँ बोल बेटा। सितेज। यस सर। सर ट्वेल्थ में तेरे नाम में कंफ्यूज हो, नाम बोल एक बार, तेरा नाम क्या है? सर सितेज। सितेज ना। यस सर, यस सर। ठीक है बोल। सर मैं ये बोला था कि ट्वेल्थ में जो भी एसी में जो भी प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते थे वो अलग है, मतलब अभी जो नहीं, नहीं अलग नहीं है, उससे बहुत अलग, अलग, अलग है। जो भी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था, बोला था, ये चीज अलग, ये चीजें नहीं थी। अब जो आप ट्वेल्थ में पढ़ा था ना, जब मैं पूछूंगा ना, अभी तक तो मैंने सिलेबस के बेसिक फंडामेंटल कवर कर रहा हूँ यूनिट टू के। जब मैं सिलेबस की तरफ फर्स्ट कदम बढ़ाऊंगा, बोलूंगा देखो अब यहाँ से सिलेबस स्टार्ट, वैसे ये सारे काम आएंगे उसमें, सिलेबस के टॉपिक्स हैं, इनके बिना आप यूनिट कवर नहीं कर पाओगे। पर जो क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं पूछूंगा पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, तीन पार्ट में मैंने सिलेबस को तोड़ा था, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, इन तीन पार्ट में सिलेबस को तोड़ा था ना। तो अभी तक तो मैं बेटा सिर्फ फर्स्ट में ही चल रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने के, साइनसोइडल वेवफॉर्म्स के, उसके इंपॉर्टेंट फेजर्स के, ये मैं सिर्फ फंडामेंटल चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक्स को। फिर धीरे धीरे आपको हैबिचुअल हो जाओगे, जब देखोगे ना अभी अब मैं आ चुका हूँ फ्लो में, तब आपको लगेगा हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यूनिट वन में स्टार्टिंग कितने लेक्चर्स में आपको बेसिक समझाया, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर एनर्जी पावर, फिर केसीएल केबल समझाया, फिर मैंने बोला था नोडल को समझो बेटा, नोडल आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे आपने नोडल तक कोशिश करी समझने की, उससे पहले मैंने आपसे 8 से 10 लेक्चर 12 लेक्चर मैंने बेसिक चीजें समझाने में टाइम वेस्ट किया। क्यों किया? उसको जब आपने पढ़ा तो आपको देखा होगा बाकी जो टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं नोडल मेज और थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपके लिए इजी हो गए थे ना। यस सर। तो ऐसे ही कह रहा हूँ, ये जो फंडामेंटल चीजें मैं सिखा रहा हूँ एक बार इनको समझो, ये अपन अप्लाई करेंगे तब आपको लगेगा हाँ यार ऐसा था क्या। अब मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल करता, उसमें मैं अप्लाई करता तो लगता यार ये कहाँ से क्या हो रहा है, हवा में उड़ रही चीजें, तो वो अपन को हवा में नहीं उड़ानी, अपन को पकड़नी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्यों नहीं कर सकते? इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। हो गया? यस सर। फर्स्ट से ही दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट। हेलो। इससे पहले मैंने आज ये पढ़ा है, इससे पहले ये पढ़ा है। कन्वर्जन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कन्वर्जन हो गया, फिर अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। अब हम मूव कर गए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। हेलो। हाँ बोलो बेटा।
सर ये इससे पहले वाला भी दिखा दीजिए ना स्क्रीनशॉट। अभी अभी करवा रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फेजर, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फेजर। अब अपन मूव कर गए हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ फेजर की तरफ। ये लो बेटा, इससे पहले का स्क्रीन शॉट लो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। चलो नोट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपका तभी होगा जब आपका फेजर पोलर फॉर्म में होगा। ऑलवेज डन ओनली इन फेजर फॉर्म। और ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा आपको प्रॉब्लम में डालता है। ऑलवेज डन ओनली इन द फेजर फॉर्म, ओनली फेजर फॉर्म में ही काम हो सकता है। ओनली डन ओनली इन द फेजर फॉर्म कैसे करते हैं, आ जाओ। बड़ा सिंपल है यार, मैंने कंसीडर किया वही मेरे पास दो फेजर हैं और आपकी इक्वेशंस बनती है तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनती है। तो लेट द टू फेजर्स, लेट टू फेजर्स समझ लेना, लेट टू फेजर वी वन है ए वन प्लस जे बी वन, ए टू है वी टू है ए टू प्लस जे बी टू। सर ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखा है और आपने बोला है कि ये कन्वर्जन हमेशा पोलर फॉर्म में होता है, तो मुझे सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। हाँ जी निखिल दुबे जी बोलो। उपर, सर ऊपर लेफ्ट फॉर्म फेजर फॉर्म ऊपर अपने गैलरी में आपने लिख दिया सर, एफ ओ आर एम ही तो होता है फॉर्म। सर आपने फेजर लिख रखा है ऊपर, फेजर तो वहां पे सर पोलर आएगा ना। हाँ हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द फेजर्स, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ द फेजर्स, ऑलवेज डन ओनली इन द पोलर फॉर्म। यही सही, बिल्कुल 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 पोलर फॉर्म आएगा। चलो मतलब ध्यान दे रहे हो, ऑलवेज डन इन द पोलर फॉर्म, ऑलवेज डन इन द पोलर फॉर्म। अब देखो मेरे को यहाँ पे किस फॉर्म में दे रखा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, पोलर पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या होगा, इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा सर? सर हेलो, कहाँ है? यस सर। हाँ बेटा, तो टू फेजर्स हैं आपके पास वी वन वी टू, तो इनका देखो मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो वी वन है और इसका फेज एंगल आपने कैलकुलेट करा तो फाइव वन आ गया। वी वन कैसे आएगा, वी वन आएगा रूट ए वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर, फाइव क्या होगा टेन इनवर्स वी वन अपॉन ए वन। ऐसे ही आपका फेज मैग्नीट्यूड क्या होगा वी टू, फेज एंगल क्या हो जाएगा फाइव टू आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे फेजर भी आ गया फेजर फॉर्म में, मैंने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म को। अब मुझे करना है इसका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। नाउ फर्स्ट मैं अप्लाई करता हूँ इसका मल्टीप्लीकेशन। नाउ मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, नाउ मल्टीप्लीकेशन देखते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। नाउ मल्टीप्लीकेशन ध्यान से समझ लेना, मल्टीप्लीकेशन 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 में मैं मानता हूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मैग्नीट्यूड वी है। क्या कर रहा हूं मैं वी वन एंगल फाइव वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं वी टू एंगल फाइव टू से। तो समझना है यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टार, कि यदि आप पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपके पास मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब वी वन डॉट वी टू और एंगल क्या होता है आपस में एड हो जाते हैं, मीन्स फाइव वन प्लस फाइव टू, ये हो जाएगा पोलर फॉर्म मल्टीप्लीकेशन। दिस शो पोलर फॉर्म मल्टीप्लीकेशन, ये पोलर फॉर्म का मल्टीप्लीकेशन शो कर रहा है। सर कैसे, थोड़ा सा क्लियर करेंगे? हाँ तो बिल्कुल करेंगे साहब। मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ इसके लिए समझाने के लिए, कि लेट मेरे पास वी वन की वैल्यू तो मान लो आपको दे रखी है फाइव
एंगल 60 डिग्री, और V2 मैं जूम कर लेता हूँ 3 एंगल 20 डिग्री, कुछ भी ले सकते हो, ये मैं मन से ले रहा हूँ, 3 एंगल 20 डिग्री है। क्या करेंगे नाउ, मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, तो जब मैं इसका बेटा मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, जब मैं इसका बेटा मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू कितनी है 5 एंगल 60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 एंगल 20 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 15 और एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं 80 डिग्री। ये हो गया पोलर मल्टीप्लीकेशन। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नो सर। अब मान लो डिविजन सीखना है। नो सर। बिल्कुल, चलो वेरी गुड बेटा। और ये चीजें जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना बड़ी काम आती है, डिवीजन। जब मैं डिवीजन की बात करूंगा तो मेरे पास क्या है, V1 V2 तो गिवन है, इस केस में मैं जब डिवाइड करता हूं तो क्या करूंगा, V1 में V2 का डिवाइड करूंगा, मतलब V1 की वैल्यू कितनी है, V1 एंगल 51। ये मैंने क्या कर दिया, V की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू क्या होगी बेटा, V की वैल्यू होगी V1 एंगल 51 अपॉन V2 एंगल 52। तो जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन के केस में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो बेटा मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो जाता है और एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 51 में से ये डिनोमीटर वाला एंगल जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 52 हो जाता है। पर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसी को अगर मैं देखूं एग्जांपल की फॉर्म से, एग्जांपल समझो वापस से, इसी का एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं डिवीजन के लिए, डिवीजन का एग्जांपल, ये मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल था। क्या होगा, V1 और V2 तो दे रखा है, तो आफ्टर द डिवीजन मेरे पास वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी, आफ्टर द डिवीजन, नोट्स ध्यान से बनाना भैया, पहले मल्टीप्लीकेशन समझाना, फिर डिवीजन, फिर डिवीजन, ये लो, फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर डिवीजन का एग्जांपल, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास V1 अपॉन V2, V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 5 एंगल 60 डिग्री और V2 कितना है 3 एंगल 20 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा V, 5 में 3 का डिवाइड किया कितना होगा, 5 अंदर 5 20, 5 6 1.66 एंगल 60 में से 20 के तो 40 डिग्री, ये इसका आ जाएगा, डिवाइड कैसे करते हैं, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो भैया ये समझ में आ गया क्या, कि सबसे पहले अभी तक देखो अपने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा आज कन्वर्जन वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, किसका, पोलर फॉर्म्स का, फेजर्स का। फेजर्स क्या होता है, ये मैंने देखा कि तीन टाइप के फेजर्स होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर टू पोलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। सर फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल होता है यार, आपके पास वैल्यू मान लो अभी जो वैल्यू है 5 एंगल 30 डिग्री, इसको यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे, 5 cos 30 प्लस j sin 30, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म इतना बड़ा इशू नहीं होता है, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म इंपॉर्टेंट ज्यादा आता है। फिर हमने क्या देखा था इसके बाद में, कन्वर्जन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो हमने देख लिया कि रेक्टेंगुलर से पोलर में कैसे बदलते हैं और पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे बदल सकते हैं। फिर उसका अपने एडिशन देखा, वन मिनट बेटा, एक मिनट हैंड राइज कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। फिर हमने उसका एडिशन देखा, एडिशन कब होगा, जब ओनली रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज में लेते हैं, और जब मल्टीप्लीकेशन डिविजन कब होगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन डिविजन कब होगा, जब आप उसमें पोलर फॉर्म को कंसिडर करते हैं। अब बोलो बेटा किसने हैंड राइज किया था, हैंड राइज किसने किया है,
सर ये जो पोलर फॉर्म में सर नेगेटिव साइन भी आ सकता है ना. एक मिनट भेजता हूँ. डिवीजन किए है. ये हो गया. हाँ बोलो सर. जैसे पोलर फॉर्म में नेगेटिव साइन भी तो आ सकता है ना. अरे यार क्यों नहीं आ सकता. ये लो मान लो V1 आपको दे रखा है 3 एंगल 20 डिग्री और V2 दे रखा है 5 एंगल 60 डिग्री. तो डिवाइड करूंगा तो वैल्यू हो जाएगी V की वैल्यू 0.6 एंगल -40 डिग्री. ये लो. यस सर. हो सकता है भाई लैगिंग और लीडिंग शो करेगा ना भाई. इंडक्टर के केस में नेगेटिव फेज आएगा, कैपेसिटर के केस में पॉजिटिव फेज आएगा. ठीक है. वो लैगिंग लीडिंग कहाँ से पता लगेगा. यहाँ से ही तो पता लगेगा. अभी माइनस है कि इंडक्टर के केस में मेरे पास सर्किट दे देगा, न्यूमेरिकल की वैल्यू पुट कर देगा, बोल देगा दिस सर्किट, इन दिस सर्किट द करंट फ्लो हाउ मच एंगल इज लीड, हाउ मच एंगल इज लैग, कितने एंगल पे लीड कर रहा है, कितने एंगल पे लैग कर रहा है, पावर फैक्टर एंगल कितना है, कोस पावर फैक्टर कितना है, वो सब कैलकुलेट करेंगे तो वो पोलर फॉर्म से ही तो करेंगे मेरे भाई. तो यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया कंप्लीट. अब इसके आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ. ये टॉपिक हाँ निखिल दुबे बोलो. और सर पोलर से रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट करेंगे. हाँ सर. अरे यार लो मान लो आपको दे रखा है 5. पोलर से रेक्टेंगुलर सीख लेते हैं. मान लो एंगल पोलर फॉर्म दे रखा है आपको 5 एंगल क्या दूं, सबसे सिंपल ले लूं क्या मैं 30 डिग्री. ले ले क्या भैया. यस सर. यस सर. और भी सिंपल कर लेता हूं. टेन ले लेता हूं. टेन और भी सिंपल में लिए. टेन ले लेते हैं. जैसे इसको टेन लिया, वन मिनट, जैसे इसको टेन लिया इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा. कन्वर्ट कैसे करेंगे. टेन कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा. अब कोस 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है. √3/2. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है. 1/2. 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस जे 5. ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट. ओके सर. और आदेश करो भाई.